शान से तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ शान से? क्या हुआ? वो रास्ता पा आपने कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा इसे, बल्कि शान से मत से क्या हुआ? क्या कर रहा है सरमत? क्यों तंग कर रहा है मेरी बेटी? नहीं नहीं, सरमत ने भी कुछ नहीं कहा इसे, मैं वहां मौजूद थी। तो फिर वो एक्चुअली बर्थडे पे सबरीना आई थी। मैंने कहा था ना आपसे, पहले भी कहा था कि जितना आप सरमद और सबरीना का आमना सामना कराएंगे, सरमद और शानजे के रिश्ते में दरारें पड़ेंगी। लेकिन आप लोग मेरी हर बात को सौतेली माँ का बुग़्ज़ समझ के नजरअंदाज कर देते हैं। सुकून मिल गया आप लोगों को मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचा के। खैर, मुझे किसी और से क्या शिकायत जब बाप को ही अपनी बेटी की परवाह ना हो। खबर खबर तो बेटा मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? क्या कहा, क्या है सरबंद है तुमसे? क्या करेंगे आप? झगड़ा करेंगे सरबंद से? क्या ख्याल है तुम्हारा, वो मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाता रहेगा और मैं तमाशा देखता रहूंगा? इससे बात और बिगड़ जाएगी खबर। तो बिगड़ने दो, एक दफा बिगड़ ही जाने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिश्ता खत्म कर देंगे ना? कर दूंगा रिश्ता खत्म, लेकिन अपनी बेटी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं दे सकता मैं किसी को। मुझे अपनी बेटी की खुशियां अजीज हैं। अगर मेरी खुशी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती ना डैड, तो आप सरमद और सबरीना को मिलने का मौका ना देते। वो जब जब उससे मिलता है उसका एटीट्यूड मेरे साथ बुरा हो जाता है, वरना वो हमेशा मेरी केयर करता है। ठीक कह रही हो तुम, मैंने बात बहुत पहले कही थी। रास्ता आपा सरमद को सबरीना के हवाले से बार बार कुरेदती भी रहती, आई थी कल, बहुत खुश भी लग रही थी अपने शोहर के साथ। यहीं से ये नहीं लग रहा था कि शादी उसकी मर्जी या खुशी के बगैर हुई। उसकी बात तो करें ही ना आप, शी इज टू स्मार्ट। अपने हस्बैंड के साथ होने के बावजूद वो सरमद से बात करने की कोशिश कर रही थी। क्या भूले चले जा रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, सबरीना ऐसा नहीं कर सकती। मुमकिन हो या ना, आप कौन सा हमारी बात पे ट्रस्ट करें?